आज देश में परिस्थितियां ये है कि बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज्यादा है। मेरे सारे भाई यहां पे खड़े हैं, आप बताइए आप में से किसी को रोजगार मिला है पिछले 10 सालों में? आप ये भी बताइए कि आप में से पढ़े लिखे कितने बच्चे हैं? देखा, सारे हाथ उठे हैं। अब पढ़े लिखे आप हैं, आपके माता पिता ने खूब मेहनत करके पढ़ाया है। आज किसी भी छोटे गांव में चले जाएं आप, मैं यूपी में काफी घूमी हूं, यूपी के छोटे से छोटे गांव में, गरीब से गरीब घर में परिवार के जो सदस्य हैं, सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का जो भविष्य हो वो उनके भविष्य से ज्यादा उज्जवल हो। सारे माता पिता यही चाहते हैं, चाहते हैं कि बच्चा बड़ा होगा, रोजगार मिलेगा, कमाएगा, हम बुढ़े होंगे, हमारी भी देखभाल करेगा। इसीलिए बहुत मेहनत से, चाहे किसी भी तरह से कमा पाए, मुश्किल से वो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाते हैं।